है दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम टॉप 5 बेस्ट एक्शन मूवीज़ को कवर करेंगे जो बहुत ही अमेजिंग है। मूवीज़ की स्टोरी प्लॉट बहुत ही ज़बरदस्त है, साथ में इन मूवीज़ की एक्शन ब्रेथ टेकिंग है जो आपको बहुत पसंद आ सकती है। मूवीज हिंदी में टॉप डेस्ट होगा, इस वीडियो में लाइक कमेंट कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 फेस ऑफ 1997। ये एक एक्शन मूवी है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है सियान आर्चर से, जो एक वेरी टफ FBI एजेंट है, लेकिन वो अपने बेटे की मर्डर से जूझ रहा है। उसके बेटे की हत्या एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसका नाम है कास्टर ट्रॉय। वो उसके पीछे लग जाता है और कास्टर पकड़ा भी जाता है, और इससे पहले वो एक पावरफुल बॉम्ब को लॉस एंजलिस में प्लांट कर देता है। फिर वो FBI एजेंट उस बॉम्ब को फाइंड आउट करने के लिए एक डॉक्टर से मिलता है जो फेस ट्रांसप्लांट करता है, और वो उस क्रिमिनल का चेहरा अपना लेता है और कोई रास्ता ना होने के जैसे। अब आगे की स्टोरी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। 7.3 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 4 सीन सिटी 2005। एक बहुत ही अमेजिंग क्राइम एक्शन मूवी है जो आपको बहुत पसंद आ सकती है। इस मूवी के अंदर अपराध की 4 कहानियां दिखाई गई है जो वाशिंगटन के बासिन सिटी पर बेस्ड है। पहली कहानी में एक मस्कुलर ब्रूट होता है जो अपने प्रियो गोल्डी के मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश कर रहा है। दूसरी कहानी में एक आदमी होता है जो सीन सिटी के करप्ट लॉ से तंग आ चुका है और कानून को अपने हाथ में ले लेता है। तीसरी कहानी में एक कॉप होता है जो एक लड़की की जान बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल देता है, और चौथी कहानी में एक हिटमैन होता है जो पैसे कमाने की तलाश में होता है। चारों कहानियां मिलकर बनी यह मूवी नेक्स्ट लेवल की है, जिसको आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। 8/10 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 3 वंस अपॉन ए टाइम इन मेक्सिको 2003। ये एक और बहुत ही अमेजिंग एक्शन वेस्टर्न मूवी है जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। मूवी के अंदर एल मेरियाची नाम का एक गनमैन होता है जिसको एक CIA एजेंट द्वारा रिक्रूट किया जाता है एक नार्कोटिक किंगपिन को रोकने के लिए जो मेक्सिकन प्रेसिडेंट की हत्या करना चाहता है। लेकिन उस गनमैन का भी एक प्लान होता है उस करप्ट मेक्सिकन जनरल को सजा देने की। अब आगे क्या होता है जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। 6.3 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 2 पार्कर 2013। एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन क्राइम मूवी है जो आपको बहुत पसंद आ सकती है। इस मूवी के अंदर एक थीफ होता है जिसका नाम है पार्कर। एक दिन एक चोरी करने के टाइम उसके क्रू द्वारा उसे डबल क्रॉस कर दिया जाता है और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। हर बार वो किसी तरह से सर्वाइव करता है और उनसे बदला लेने का सेटअप तैयार करने लगता है। उसने लेजली नाम की एक लड़की के साथ टीम अप करता है और उन लोगों की तलाश शुरू कर देता है। आगे की स्टोरी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। 6.2 की रेटिंग है मूवी की IMDb पर। नंबर 1 पिपरमिंट 2018। एक बहुत ही अमेजिंग एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। मूवी के अंदर एक औरत की कहानी दिखाई गई है जिसकी फैमिली को ब्रूटली मार दिया जाता है, जिसमें उसकी बेटी और पति की मौत हो जाती है। वो इंसाफ के लिए कोर्ट जाती है, लेकिन कोर्ट ने उसे पागल करार देकर जेल में डाल देती है और उन क्रिमिनलों को बाइज्जत बरी कर देती है। वो जेल से किसी तरह से भाग जाती है और अंडरग्राउंड होकर खुद को ट्रेन करने लगती है। 5 साल बाद वो बाहर निकलती है और अपने फैमिली को जस्टिस देने के लिए गरीला वार शुरू कर देती है। आगे की स्टोरी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। इस मूवी का IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है। तो गाइस, यह था आज का हमारे टॉप 5 बेस्ट एक्शन मूवीज की लिस्ट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कर देना, और आने वाली ऐसी अमेजिंग मूवीज की लिस्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।